हेलो एंड वेलकम इन सिक्स मैन जावा बाय अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग के सेकेंड पार्ट में हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सारे प्रैक्टिकल को देखेंगे और ये प्रैक्टिकल बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो इसे विदाउट स्किप करें आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं अपने एडमिन्स के आई डी पे। तो यहाँ अपने एडमिन्स के आई डी पे आ गए और करते हैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन। तो न्यू प्रोजेक्ट लिया और जैसा कि आपने सीख चुका है प्रोजेक्ट ओपन करना, तो हम यहाँ पे जावा पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट की और प्रोजेक्ट का नेम हम OPERATORS ऑपरेटर्स लिख करके फिनिश किए। तो यहाँ हमारे प्रोजेक्ट को कर रहा है क्रिएट। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कमेंट्स है इन सारे को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन जितना क्लियर रहता है उतना प्रोग्रामिंग में मज़ा आता है। तो पहले तो ये जो डिफ़ॉल्ट कमेंट्स था हमने इन सारे कमेंट्स को हटा दिया और आपको यहाँ बना बनाया आपको कोड मिल जाता है जिस जो आपके काम को आसान कर देता है। चलिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आसानी से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ करने वाले हैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे वर्क। तो इसके लिए हमें तो वेरिएबल चाहिए, तो N1 एंड N2 हमने दो वेरिएबल्स ले लिया। इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहीं पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर हम यूजर से इनपुट भी लेकर आपको दिखाएंगे। तो हम N1 में हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 5 एंड N2 में हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 3, ठीक है। और एक हम वेरिएबल और ले लेते हैं इन टाइप का, जिसे बोल रहे हैं हम रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। तो हमने टोटली 3 वेरिएबल लिए और उन्हें इनिशियलाइज भी कर लिया है। तो चलिए चलते पहला काम करते हैं रिजल्ट में। रिजल्ट में हम पहले एडिशन करते हैं किसे, N1 को और N2 को। N1 प्लस, ये बैक हो जा रहा है, N1 प्लस N2, यस। उसके बाद हम इसे चाहते हैं प्रिंट करना। यहाँ पे ये एरर क्यों, क्या ये स्पेलिंग हमने गलत ली, हाँ ये स्पेलिंग मिस हो चुका है हमसे, RES मिला लेता हूँ, ये यू एक्स्ट्रा यहाँ आ गया है। तो कोशिश करते हैं क्या अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ यूज़ करना पड़े तो बार बार रिजल्ट की स्पेलिंग कहीं मिस हो जाए, इसलिए मैंने इसे कॉपी करके ऑलरेडी रख ही लिया है। तो चलिए हम इस रिजल्ट को पहले प्रिंट करते हैं। तो आपको प्रिंट करने के लिए पता है कि आप लिखते क्या है, बस एस आउट लिखे और टैब प्रेस करें तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया सम इक्वल टू, और आप सिंपली यहाँ क्या करें, ऐसा कि आपको मैंने पिछले बार ही बताया था पिछले वीडियो में कि कॉन्कैटनेशन के लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। और इसमें कॉन्कैटनेट क्या करना चाहते हैं, रिजल्ट को हमने कॉपी किया, यहाँ बस पेस्ट कर दें। ये पहला काम हो चुका है जो आपका एडिशन का काम करेगा। फिर आपने क्या करना है, आप फिर से रिजल्ट को पेस्ट करें और यहाँ पर आप क्या करें, N1 माइनस N2 कर लें और यहाँ पे आपका ये छूट चुका है सेमी कॉलन, तो N2 L प्रेस हो चुका था। आपको फिर से यहाँ पे S आउट लिखे और टैब प्रेस कर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप लिखे सब यानी सबस्ट्रैक्शन इक्वल टू, और इसे भी आप कर ले कॉन्कैटिनेट करने के लिए यहाँ पे फिर से आप रिजल्ट को पेस्ट कर ले, और देन आफ्टर आपका प्लस भी हो चुका है। फिर रिजल्ट हमने यहाँ लिखा इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन करना है N1 इंटू N2, और फिर से आप एस आउट लिखें एंड टैब प्रेस करें। देख रहे हैं कि नेटविंस आईडी कितना आपको आसानी से प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें MUL मल लिखे और इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट है वो हमें यहाँ शो कर दे। फिर से हमने रिजल्ट को यहाँ कर दिया पेस्ट, तो मल्टीप्लिकेशन हो चुका। अब हमें बस करना है दो काम, डिवाइड एंड मॉडुलस। तो हम सारे काम को करके उसका आउटपुट को देखना चाहेंगे। तो N1 डिवाइडेड बाय N2, उसके बाद आप फिर से एस आउट लिखिए, टैब प्रेस करें, देख रहे हैं कितना काम आसान हो जा रहा है। आप यहाँ div इक्वल टू, उसके बाद कॉन्कैटिनेट करें, फिर से रिजल्ट को हमने कर दिया पेस्ट
बस एक काम बच गया आपको, रिजल्ट इक्वल टू मॉडलस निकालना, एन वन मॉड के लिए परसेंटेज का यूज करते हैं ताकि आपको पता है पहले से, एन टू लिखें, उसके बाद एस आउट टैब प्रेस करने के बाद, और यहाँ पे मॉड इक्वल टू एंड प्लस लिख करके पेस्ट। देखिए इतने इतने जल्दी आपके सामने मैंने सारा काम कर लिया, और अब हम इससे कोशिश करते हैं रन करने का। तो रन करने के लिए आप इस प्ले बटन पे सिंपली क्लिक करें तो हमारा प्रोजेक्ट होगा बिल्ड। देखिए यहाँ पे काम हो चुका हो रहा है, और जो भी आउटपुट आएगा यहाँ आपको दिख जाएगा आउटपुट। देखिए ये आउटपुट आपके सामने आ रहा है पूरा, सम में एच हो गया, डिवाइड टू हो गया, यस फाइव में से थ्री जाएगा टू बचेगा, मल्टीप्लिकेशन हो चुका, डिवाइड एंड मॉडुलस। लेकिन आप देखिए डिवाइड में तो क्या ये आंसर पूरा एग्जैक्टली सही है, क्या फाइव और थ्री का जब डिवाइड होगा तो क्या क्वेश्चेंट वन आएगा? नहीं, वो क्या आएगा, वो फ्लोटिंग वैल्यू आएगा। तो ये एक्चुअल में फ्लोटिंग वैल्यू क्यों नहीं आया, तो आप देखें कि हमने यहाँ रिजल्ट को इंट टाइप यूज किया है, ठीक है। तो रिजल्ट को आप इंट टाइप यूज किए इस कारण से यहाँ नहीं आ रहा है। चलिए हम अगर हम इसे भी चेंज करके देखें, अगर हम इससे फ्लोट कर दे, ठीक है, इसे फ्लोट कर दे तो क्या अब भी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं दोबारा रन करके क्या इस टाइम मेरा आ रहा है आउटपुट या नहीं डिजायर्ड। तो देखिए यहाँ पे सब में 8.0 8.0 8.0 अब भी वन आया, तो क्या फाइव और थ्री का जब डिवाइड होगा तो क्या वन आएगा? देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जब हम फाइव को थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है कैलकुलेटर में, और आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1.6666 रिकरिंग और बाद में 7 आ रहा है। तो यहाँ हम देखें कि आपका जो आउटपुट है डिवाइड में वो सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, उसके बाद वो आ नहीं रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, आपको जरूर सीखने को मिलेगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो डिवाइड कर रहा है इस जगह पर, तो जो रिजल्ट आपको इन दोनों में से डिवाइड करने में आपको किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा डबल में, ठीक है। अगर आप इसे डबल या फ्लोट में चेंज करते, चलिए मैं इसे कास्टिंग कर देता हूँ डबल में, ठीक है, डबल या फ्लोट में आप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने किसी एक को चेंज कर दिया है डबल में, ठीक है, और डबल चूँकि फ्लोट में जाएगा नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहा है इनकम्पिटेबल। आप यहाँ पे आप फ्लोट ले चुके थे इसलिए आपको यहाँ करना पड़ेगा फ्लोट। तो अब आप फ्लोट में कन्वर्ट इसे कर चुके हैं, किसी एक वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट किए हैं, आप उसको फ्लोट में अगर लाना चाहते हैं तब ये आसानी से आ सकता है। तो देखिए डिवाइड करते टाइम में वो फ्लोट में किसी एक साइड को, अगर देखिए आप एन वन को फ्लोट में ला चुके हैं और एन टू आपका है आपका इंटीजर में, चलिए आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट 1.666 जो डिजायर था वो अब यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ डबल से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने फ्लोट रिजल्ट को किस टाइप का लिया है, फ्लोट टाइप का लिया है, और डबल जो होता है वो फ्लोट से बड़ा होता है, और कोई भी बड़ा चीज़ छोटे में आ नहीं सकता है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। अगर आप इसे डबल कर लें, ठीक है, और वो फ्लोट है तो अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोट छोटा होता है डबल बड़ा होता है, छोटा वाला चीज़ बड़े में आ सकता है। तो अब भी रन करेंगे तो मेरा आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो 1.66 उसके साथ डबल होने के कारण ये लास्ट तक और डिजिट बढ़ चुका है, ठीक। और अगर आप इसे इस टाइम डबल भी कर दे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब यहाँ कोई एरर नहीं देगा, देखिए कोई एरर नहीं दे रहा है। और फिर से हम यहाँ रन किए तो देखिए मेरा आंसर जो भी आपका एग्जैक्ट था आपके कैलकुलेटर में, मैं आपको दिखा दूँ ये कैलकुलेटर का जो भी आपका आउटपुट है वो यहाँ पे आ चुका है आपका। तो आपने देखा कि छोटा सा जो बेसिक फंडा था मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होंगे अच्छे से। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मॉडलस है वो आपका जो आप सी और सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे कि फ्लोट के साथ काम नहीं करता है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी काम करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट के साथ। एन वन में मैंने फाइव लिया है, आप यहाँ ऑलरेडी ऊपर में देख सकते हैं। एन टू को मैं फ्लोट कोई कॉन्स्टेंट डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 1.2 डालता हूँ,
और अब मैं रन करके देखता हूँ क्या मॉडुलस मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने से रन किया तो देखिए नीचे में मॉड निकल चुका है, कोई एयर आया नहीं। लेकिन आप इस सी में आपको पता है कि जब मॉडुलस आप फ्लोटिंग वैल्यू का नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो भी बेसिक फंडा था, जो जानकारी की चीज़ था प्रैक्टिकली, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें, अगर आप नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।